तो भाई आज की वीडियो का टाइटल सिंपल सा है और ज्यादा सॉर्टेड भाई सीधे डायरेक्ट पर कि भाई दिल्ली में रहने का खर्चा कितना बैठता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तुम पढ़ रहे हो और तुम बाहर से आ रहे हो कितना खर्चा बैठ रहा है, ठीक है। और भाई हमारे दो एक्सपर्ट भाई बैठे हुए हैं हमारे साथ, ठीक है। आज हम न्यूज चैनल खोल लेंगे भाई, तो सबसे पहले तो भाई हम सारी बातें करेंगे कि तुम्हारे पीजी का खर्च कितना है, खाने का खर्चा कितना निकलेगा, ट्रैवल का खर्चा कितना निकलेगा, ओवरऑल लास्ट में तुम्हें पता चलेगा कि ऑल ओवर खर्चा कितना निकलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले भाई मैं तुम्हें बताऊँ कि कॉलेज का फीस, सबसे पहले कॉलेज की फीस से स्टार्ट करते हैं कि कॉलेज का फीस कितना है। जैसे डिपार्टमेंट वाइज होता है शेयर जिलों का, वैसे बाकी कॉलेज से कम ही है। जैसे मेरी फीस इस बार आई थी 10,616 रुपए, तुम्हारी कितनी आई थी? 10,616। तो भाई और मैंने देश बंधु की देखी थी कि 12,420 निकला था, ठीक है। चलो हाँ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की भी 13,000 कुछ समथिंग है। और किसी और बार अच्छी पता है तो सबसे पहले भाई ये फीस की बात हो गई, ठीक है। फीस के बाद बात करते हैं कि भाई ट्रैवल का खर्चा कितना नहीं लगता, आने जाने का पर डे मेरा लगता है 150 या 250 कभी कभार। मेट्रो से मेट्रो से मेट्रो से मेरा तो देखो भाई पहले का राउंड 35 कितने हो गए, 70 हो गए और 20-20 मेरे वो ऑटो में लगते हैं। तो मेरा 150 लिखता है पर डे का। तो भाई मान लो अगर तुम हाँ कॉलेज वाले बस पास भी अलाउड करते हैं, है ना भाई, अगर तुम्हें फ्री में बस बस पास 100 रुपए देना, कितना देना होता है, क्या होता है सी 100 रुपए 115 रुपए एक महीने का। फिर आप किसी भी बस में कभी भी चढ़ो, कोई तो भाई ये सबसे बेस्ट है। अगर तुम भाई बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो भाई फ्री हो जाएगा 115 में सिर्फ एक महीने का, ठीक है। और बाकी अगर तुम मेट्रो से करोगे तो मेट्रो से तो पैसा लगेगा, मेट्रो वाले दिल्ली वाले मतलब यूनिवर्सिटी नहीं देती तो पैसा लगेगा। साथ में अगर तुम कॉलेज में आ गए और खर्चा पानी हो गया तो ऑल ओवर कॉलेज में तुम डेली आ तो खर्चे कितना बैठ जाता है, ये जैसे दोस्तों को खिलाना पड़ेगा। अगर ऐसे दोस्त हो आपके जो बस पूछना जानते हैं तो आपका और खर्चा तो यहाँ से बैठ गया हमारा, तो जो बैठे थे हमने कितना खाया था उस दिन, सिर्फ एक कोल्ड कॉफी दी थी, नहीं सबकी चार दी थी, चार दिन कोल्ड कॉफी दी थी और टिक्का लिया था, रोल्स लिए थे, हमारे 850 तो बिल खुल गया। तो भाई तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कितना खर्चा करोगे, ठीक है। बाहर बाहर पालते 40 रुपए मस्त भाई, मैं तो फेवरेट भाई, जब भी मैं आया मैंने फिर भी बोला कि भाई चल के चल। तो भाई सबसे अच्छा है घर से रोटी ले आओ, जो यहाँ पे पीजी वीजी में रहते हैं उनको रोटी बनाना तो आते ही होगा, रोटी ले आओ और यहाँ जाके छोले कुछ खरीद लो, सबसे सस्ता पड़ेगा। तुम कहाँ जाके कैफे में खाओगे, कैंटीन में खाओगे, 20 रुपए के तो भाई ऑल ओवर अगर मिलाए ना तो तुम्हारा कम से कम ट्रैवल में ट्रैवल को और खाने पीने और कॉलेज में लोगे तो भाई 200 तक का बैठ ही जाएगा आराम से, ठीक है। अगर तुम 200 तो बैठ ही जाएगा मिनिमम लेके चलो, 200 तो बैठना ही बैठना भाई, और नहीं तो अगर तुम जाते ही कंजूस हो भाई तो 150 तो बैठना भाई ट्रैवल से लेके खाने तक एक दिन का खर्चा। सबसे पहले अब हमने पीजी वाले बात कर मतलब डेली का खर्चा देख लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं भाई जो दिल्ली में रहता है और जो बाहर रहता है, ठीक है, जो बाहर से आएगा जो दिल्ली में रहता है उसका खर्चा कितना बैठेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई जो दिल्ली में रहता है ना, जो दिल्ली का घर है या हरियाणा में या तो भाई यूपी में है, तो उसका खर्चा कितना बैठा है। जैसे भाई मैं दिल्ली में हूँ, ठीक है, तो गलगाबाद से आ रहा हूँ, तो भाई मेरा ना वहाँ का खर्चा इतना महंगा बैठ जाता है ना कि उधर पहली बात तो मैं वहीं रहता हूँ, ठीक है, तो उतना नहीं बैठ, इतना नहीं होता कि भाई फैमिली के साथ रहता हूँ तो इतना नहीं बैठता, फैमिली देख लेती है कि कैसा कैसा सीन है। तो भाई मिला जुला के चलो ना, अगर दिल्ली में कोई रहता है ना तो उतना खर्चा नहीं होगा अगर वो फैमिली के साथ रहता है पूरे प्रॉपर, ठीक है, फैमिली के साथ अकेला रहेगा तो भाई देखो हम बच्चे हम खर्च करते हैं। अभी अभी जब हम स्कूल में रहोगे ना तो ये सोचोगे अकेले रहेंगे तो मजा आएगा, भाई कुछ मजा नहीं है जो अकेले आगे रहने देना तब पता चलता है और रोते भाई लिटरली रोते हैं तुम एकदम ना, अगर तुम ऐसे होगे तो ऐसे हो जाते हो सिकुड़ जाते हो इंसान, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिलेगा तुम्हें ढंग से।
भाई अगर बताओ ना तो दिल्ली वाला जो रहता है वो ज्यादा फायदे में, जो बाहर से आ रहा है उसका कितना खर्चा बैठ जाओगे वैसे। अब जैसे अब हम बात करेंगे पीजी वाले और या फ्लैट वाले या तो हॉस्टल में रहते हैं ना कोई बंदे, तो मैं आप उनकी बात करते हैं ठीक है। सबसे पहले मैं पीजी से बात करती हूँ, पीजी का रेंट कितना लगेगा, रेंट कितना लगता है पीजी का? अगर तुम शेयरिंग में रह रहे हो तो तुम्हारा 7 से 8 हज़ार, और अगर तुम सिंगल लेके रह रहे हो तो 13,000 तो मान के चलो 13,500। और सिक्योरिटी उसके बाद सिक्योरिटी और गार्ड सिक्योरिटी हो गई, तुम्हारा वॉशरूम क्लीनिंग हो गया, ये सब भी तुम्हारा उसी में इन्वॉल्व हो जाता है। अगर तुम किचन विचन ले रहे हो या सब क्लीनिंग व्लिंग करवा रहे हो सब उसी में इन्वॉल्व आएगा, बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, वो सब भी अलग से है। तो खाना तो फ्री में देता हूँ मैं, नहीं पीजी में खाना? अच्छा पी नहीं, उसके चार्जेस होते हैं अलग से, चार्जेस दिए जाते हैं खाने के, अलग से चार्जेस दिए जाएंगे तभी तुम्हें खा रहे, क्योंकि कई लोगों को पीजी का खाना नहीं पसंद होता तो वो लोग अपने नहीं खाना वो लोग देते हैं बाहर से लाके खुद बनवाते हैं पीजी, क्योंकि पीजी में किचन विचन अलाउ नहीं है। तो भाई जैसे ना बात करो, पीछे हमारे भाई भी है तो वो भी भाई हरियाणा से आते हैं ठीक है, और भाई मस्ती मतलब एक बार जो क्या बताना है क्या बताना बोल लो भाई, पीजी लेना है तो तुम यहीं ले लो, गुड़गांव में पीजी क्यों लोगे ठीक है। तो भाई का एक्सपीरियंस है भाई, तो घर में घर ही रहने तो भाई का ज़्यादा खर्चा नहीं बैठता, लेकिन पीजी वाले जो बाहर से आते हैं उनका खर्चा ज़्यादा ही बैठता है, मिनिमम तो भाई 25,000 तो बैठते ही होगा है ना, महीने का बताओ ना दिन का, महीने का तो बता 25,000 रुपए 20-25,000 तो लगेगा ये तुम्हारा ठीक है। अब जैसे बात करें भाई की तुम्हें भाई क्या करना चाहिए, पीजी रहना चाहिए, रिश्तेदारों का रेंट लेके रहना चाहिए ठीक है भाई, रेंट लेके रहोगे ना, रेंट लेने में ज्यादा फायदा है पीजी में, रेंट लेके रेंट में ज्यादा फायदा, तुम्हारी इंडिपेंडेंट है भाई कि तुम जो मर्जी है वो करो भाई ठीक है, जो मर्जी तब कर दो वो करो, क्योंकि पीजी में आपकी टाइम लिमिट होती है, आप इस टाइम तक ही घर पे इतना कॉन्फिडेंस है जिसके पेरेंट्स सिक्योर है ना तो वो पीजी में रहे, क्योंकि उनको सिक्योरिटी चाहिए होती है ना कि हाँ लड़की, आज तो माहौल भी इतना खराब है कि लड़की बाहर नहीं जा सकती, लड़कियों के लिए पीजी बेस्ट रहेगा, लड़कियों के लिए पीजी ही बेस्ट, कई लड़कियां होती है जो फ्रीडम नहीं रहना चाहती है, मतलब कोई शेयरिंग में रहो तो तुम्हारा खर्चा भी कम, जैसे मान लो कि हम 3 लोग शेयरिंग में ठीक है 13,000 है तो भाई 13 में बढ़ जाता है भाई, सब अलग 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 अपने अपने खाना भी अपना सब ये कि सुबह कैसे बना लिया दोपहर कैसे बना लिया सब कॉलेज गए तो ये घर पे बर्तन मैंने धो दिए इसने कपड़े धो दिए, तो इतना तो क्योंकि हम शेयरिंग करते हैं, और कोई अगर एक दिन पढ़ रहा होता है तो माहौल बनता है, और अगर तुम हंस रहे हो तो साथ में बैठ के हंस रहे हो तो वो चीज काफी अच्छी है, फैमिली की तरह लगेगा तुम्हें, पूरा फैमिली माहौल लगेगा, और मैंने काफी देखा है कि साथ में बैठ के लोग खाते हैं फैमिली, वो भी तुम्हारी एक तरीके से फैमिली बन जाती है, तो ज्यादा ध्यान दो कि तुम लोग साथ में साथ ही रहो। अब भाई ऑल ओवर बोले ना पीजी का खर्चा, तो हमने जैसे बताया कि पीजी का खर्चा 25 निकलेगा, और तुम हाँ रेंट लेके रहेगा तो कितना निकलता है रेंट लेके, रेंट लेकर अगर रेंट में लेते जैसे पीजी में गार्ड वार्ड की सिक्योरिटी देनी पड़ती है, लेकिन बंदा अकेले सोच रहा है कि हम रेंट लेके रहेंगे भाई अकेले, जैसे वो रहता है एसी वाले नॉन एसी फर्नीचर विदाउट फर्नीचर सबका अपना अपना रेट हो रहा है, तो मेरा एक फ्रेंड रहता है फ्लैट पे, एक दिन काफ़ी रहते हैं फिलहाल, मैं एक को ही जाऊँगी जिसके मैं फ्लैट पे गई हूँ, तो उसका चार्जेस है 11,000, उसको मिला हुआ एक रूम है, उसमें एक कूलर मतलब टेबल मिला, स्टडी टेबल मिला, एक छोटा सा वाटर फ्रिज मिला है, किचन है, वॉशरूम है, और बाहर हाथरूम और खाली एरिया है, वहाँ झूला लगा रहता है, मैंने बोला तो 11,000 ठीक है, जिसमें फर्नीचर मिलता है बेड भी दे रहे हैं सही है, अगर तुम्हें फर्नीचर मिल रहा है ना सब कुछ, क्या पहले बेड मिल रहा है, फ्रिज मिल रहा है, एसी मिल रहा है, वॉशिंग मशीन ये सब दे रहे हैं, तो बेस्ट ही है भाई, कितने में 11 है 11, और तुम सोच रहे हो तुम सिर्फ खाली रूम लोगे तो तुम ये सब खरीदोगे, और तुम बाहर से आए तो वो सब तुम्हें ले जाना भी पड़ेगा, बहुत दिक्कत है, उसका खर्चा बैठेगा, इसलिए तुम फर्नीचर लेना भाई कि तुम्हें उसका अच्छा रेंट भी देना पड़ता है उस चीज़ का, नहीं उसका इंक्लूड होगा, सब उसमें इंक्लूड होगा, बस तुम्हारा पानी का अपना उसका खर्चा होगा और बिल का अलग। अच्छा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी देनी पड़ेगी भाई ये ठीक है, दिल्ली में ये नियम है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 7 रुपए ऐसे देना पड़ता है, 7 रुपए कितना है पता नहीं, लेकिन भाई 8 रुपए पर मान लो कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, जितना तुम उठाओगे ना 200 यूनिट फ्री भी देते हैं लोग, 200 यूनिट भाई, तो
भाई मेरा इतनी नहीं आया नहीं आया मेरा 900 आया 900 आया ठीक है। तो बेसिकली भाई फैमिली के साथ रहता हो तो ऐसा है, लेकिन हाँ लेकिन अगर तुम रेंट लेके रहते हो ना जैसे अच्छे एरिया में प्रॉपर एरिया सिक्योरिटी, तो तुम्हारा मिला कर लो भाई 25 से 30 लगेगा खाना पीना घूमना फिरना। और हम जिस एरिया में हमारा कॉलेज है ये बहुत ज़्यादा रिच एरिया है, यहाँ पे आपको पानी इतना गंदा मिलेगा लेकिन इस वजह से पानी से बाहर सोचो इतना रिच एरिया यहाँ पे इतने रिच लोग हैं लेकिन पानी 1% भी अच्छा नहीं होता, प्योरीफाई वाटर होता ही नहीं है। ये भाई यहाँ पर जितने भी लोग फ्लैट में रह रहे हैं वो लोग बाहर से बिस्लेरी का पानी का बोतल मंगा के सब पीते हैं जितने भी लोग हैं। इससे अच्छा हमारा खुद का घर है भाई, अपने घर पे रहो, मम्मी कम से कम अगर खराब पानी आ रहा है उबाल के देखते हैं। और जैसे मान लो कोई उत्तराखंड से आ रहा है ना वो रह नहीं पाएगा दिल्ली में शुरू में, नहीं रह पाएगा भाई। आसाम से आ रहा है, आसाम से उत्तराखंड से आ रहा है वो नहीं रह पाएगा, इधर यूपी से आ रहा है यूपी वाला पानी पी नहीं पाएगा, यूपी वाला पानी पी नहीं पाएगा। यार यूपी वाला पानी बहुत नमकीन होता है, ये बात है कि मैं मथुरा गई थी मैं पी के मर गई, मैंने पानी नहीं पिया, मैंने सिर्फ बिस्लेरी की बोतल पी। तो भाई कैसे कर रही हूं मैं, बुराई नहीं कर रही हूं लेकिन वो उनको आदत है, हमारी आदत नहीं है, उनको बिस्लेरी का पानी आदत है, बिस्लेरी का पानी। तो भाई देखो जैसा भी है अगर तुम एक स्टूडेंट हो, कैसे भी स्टूडेंट हो, दिल्ली से हो, आ रहे हो बाहर से आ रहे हो, तो हमने एक बार अपना बता देते कि मत कि भाई हमें यहाँ लगता है कि तुम्हारा कितना खर्च बैठेगा, तो तेरे हिसाब से कितना बैठेगा जो दिल्ली में रहता हो जो दिल्ली में नहीं रहता उसका कितना खर्च बैठेगा। जो दिल्ली में रहता है उसको क्या ही खर्चा बैठेगा, फिर किराया घर जाना है खाना है पीना वापस आना है तो किराया का खर्चा बैठेगा, अगर वो बस से आ रहा जा रहा है तो फिर ऑटो का बैठेगा, अगर उसका घर मेट्रो या बस सबसे दूर है 20 या 10 रुपये मैक्सिमम इतना लगता है, और जो बाहर से आ रहे हैं उनका मैक्सिमम खर्चा 20 से 25 हज़ार मान के चलो, क्योंकि अगर वो शेयरिंग में रहता है साथ ही साथ फिर उसके खाने पीने का अपना खर्च, घूमने फिरने का, राशन का खर्च, क्योंकि फिर भी उसमें अगर वो फ्लैट में रह रहे हैं तो राशन तो लाना पड़ेगा ही ना। दिल्ली वालों का एक चीज होता है टाइम वेस्ट, बड़ी दूर दूर से आते हैं। हाँ ये भी है, नहीं इतनी दूर से आता हूँ। बीएससी वाले तो टाइम पास कर रहे हैं आकर, मैं तो कहता हूँ इससे बढ़िया नीट जेई की तैयारी करो, भाई करो, भाई करो, भाई करो, करो, भाई करो, ओ भाई ऑर्डर ऑर्डर ठीक है भाई, हाँ ऑर्डर ऑर्डर, तो भाई ऑर्डर ऑर्डर और आज का मुकदमा यही खत्म करते हैं भाई ठीक है भाई, भाई अपना देख लेना भाई कि तुम्हारे खर्चे के अकॉर्डिंग करो, देखो मैं कुछ बोलूँ या ये कुछ बोले या ये कुछ बोले तो भाई फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे रहना चाहते हो कि तुम्हें कितना खर्च उठा सकते हो। तो उनके पास बजट होता है, वो लोग अपना रूम बहुत सुंदर तरीके से सजाते हैं, जैसे वो लोग फ्लैट लेके रह रहे हैं अपना बेड लाएंगे पीछे सजाएंगे कॉटन लगाएंगे, वो ऐसे लगेगा वो उनका अपना खुद का घर है, तो वो उनका खर्चा होता है, उनके पास एक बजट होता है जो कि वो कर सकते हैं, कहीं के पास नहीं होता है, वो प्लेन बेड लेकर अपना रह रहे हैं। अच्छा दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसके एमएसएम में सबसे ज्यादा मतलब उतना नहीं है पढ़ने लिए, अगर वो पढ़ना चाहता तो प्राइवेट से पढ़ लेगा, उसके पास पैसे होते हैं है ना, मेरे हिसाब से दिल्ली यूनिवर्सिटी में वही टारगेट करे जिसको भाई करना है एम ए एम ए करना, थोड़ा आगे की पढ़ाई करनी है तो बैचलर से कुछ नहीं होता, आगे पढ़ना ही पड़ेगा तुम्हें, बैचलर कोई भी करके बैठ जाता है, तो भाई टारगेट करो और देख लो अगर तुम्हें जैसा अच्छा लगता है, लेकिन हाँ मतलब पैसे तो भाई 30,000 तक बैठेगा, 30,000 तक बैठेगा एज ए स्टूडेंट, तो भाई मौज कर दो, सबका इंस्टाग्राम आईडी मिल जाएगा, तो अगर तुम्हें हेल्प चाहिए तो तुम मांग सकते हो, स्नेहा अपना इंस्टाग्राम आईडी बोलो, राज भाई अपना बोलो, राय साहब 0007 मेरा तुम मैसेज कर सकते हो, हमारे जो प्यारे कैमरा मैन है और ऋतिक उनका भी इंस्टाग्राम तुम्हें मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तुम जाकर उनसे पूछ सकते हो, बताओ सब कुछ मिलेगा ना। स्नेहा यादव .22 ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, आप मुझे कॉल कीजिएगा, अगर आपको कुछ भी इशू होगा तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। 22 ND Raj ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, वकीलत खत्म, बाय 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 बाय। कैमरा मैन ऋतिक के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं, बाय ठीक है।